मेरा नाम है करण चांद करण। मैं बेसिकली उड़ीसा से, और मैं पहले कभी मुंबई नहीं आया था। एक्टिंग तो मेरा बचपन से ही शौक था, पर ऐसे कभी ऐसे काम नहीं किया। 10th के बाद मेरा कुछ प्रॉब्लम होने के बाद ड्रॉप कर लिया, 12th भी नहीं कर पाया। पर हाँ, मैं अपना सब यूट्यूब वगैरह करता था। उसके बाद एक्टिंग का नॉलेज इतना नहीं था मेरा, बस थोड़ा बहुत ऐसे मूवी देख के नॉर्मली, और हिंदी भी मेरा इतना क्लियर नहीं था। मुझे पहले जब मैं मुंबई आया था स्टार्टिंग, मतलब इस 5 महीने के दौरान पहले, तो मुझे हिंदी टोटली बोलना ही नहीं आता, अच्छे से एक शब्द भी नहीं बोलना आता। अभी जब मैं मुंबई आया और क्रिएटिंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था पीछे, तो आके ज्वाइन किया मैंने मुंबई में, ज्वाइन किया और सर से पहले मिला, और रुपेश सर से पहले मिला था, उनके साथ बात किया मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो सर से बात किया, अभी एडमिशन करता हूँ। तो मैं यहाँ तक आया, आने के बाद रुपेश सर समझ सर से बाद किया, फिर गया मैं घर। घर जाने के बाद पापा को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि कभी ऐसे कभी किसी को छोड़ते नहीं है, तो हमारे घर पर मेरे को भी नहीं छोड़ रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पापा मान गए, और फाइनली मैं दिसंबर के टाइम यहाँ पे आया, और दिसंबर से मेरा एक्टिंग का क्लासेस शुरू हुआ। और पहले मैं इतना सोचा नहीं था कि एक्टिंग कैसे क्या होता है क्या, बेसिकली कैमरे में इतना डर नहीं था मेरा, तो कैमरा एक्टिंग थिएटर एक्टिंग ये सब मैंने कभी सोचा नहीं था कैसे क्या होता है। मैं यहाँ आने के बाद मेरा एक्टिंग में तो चेंज आया, बहुत अच्छा लगा। और समर सर जैसे समझाते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज में ट्रेनिंग करना, वो बॉडी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, कैसे अगर तुमको आर्मी का रोल मिला हो तो कितना मजबूत होकर करना है, एनर्जी कैसे रखना है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और रुपेश सर, स्पेशली रुपेश सर से बहुत अच्छा कुछ मिलना, क्योंकि वो इतना कुछ सिखाए, मतलब सब टेक्स्ट वगैरह कैसे, दिमाग से कैसे काम करने, वो सबसे बेस्ट था मेरे लिए, तो सबसे बेस्ट था, क्योंकि मुझे वो सब पता नहीं था एक्टिंग में। बस हमको इतना पता था कि हाँ कैमरा लग गया, एक्ट करो, बस काम खत्म। पर जब ये सब पता चला मुझे, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मैं हिंदी अभी जितना मैं बोल पा रहा हूँ, स्टार्टिंग में इतना कभी नहीं बोल पा रहा था। सो थैंक्स टू क्रिएटिंग कैरेक्टर समर सर, रुपेश सर एंड विजय सर एंड नीरज सर जो हमारे कैमरा मैन है, उनको भी बहुत थैंक्स। उनके साथ हम शूट के दौरान बहुत अच्छे से मस्ती भी करते थे, अच्छे सब है। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्रिएटिंग कैरेक्टर बेस्ट है। अगर कोई चाहता है कि एक्टिंग करे अच्छा इंस्टीट्यूट, क्रिएटिंग कैरेक्टर इज बेस्ट। थैंक यू।